ओके क्लास नाइन्थ, कैसे हो आप सब बेटा? आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। चलिए अपन लोग जो है चैप्टर नंबर सेकेंड के लास्ट में पहुंच चुके हैं और बात करते हैं आज सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स फ्रॉम द मिक्सचर की, सेपरेशन मेथड की बात करते हैं एक्चुअली। तो सेपरेशन क्या मतलब होता है? सेपरेशन या सेपरेट करना किसी चीज़ को, किसी भी चीज़ को अलग करना, सेपरेट करना इंडिविजुअली। ओके तो एक तरीके से आप तो लोग ये भी बोल सकते हैं सेपरेशन आर यूज्ड टू गेट इंडिविजुअल कंपोनेंट्स फ्रॉम द मिक्सचर, किसी भी मिक्सचर से किसी इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को अलग करना, यही सेपरेशन है। घर में आप लोग यूज़ करते हैं सेपरेशन के लिए क्या? जैसे कि मैं कल पिछले वाले डाउट क्लासेस में बता रहा था कि एक गेहूँ है, वीट है आप लोगों के पास, उसमें आयरन पार्टिकल्स मिले हुए हैं, सॉइल पार्टिकल्स मिले हैं और उसको सेपरेट करना है, अलग अलग करनी है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सिंपल से मतलब है कि आप मैग्नेट का यूज़ करेंगे जिसके थ्रू जो है जितने भी आयरन पार्टिकल है वो अलग हो जाएंगे, क्योंकि आयरन जो है क्या होते हैं मैग्नेट की ओर खींचे चले आएंगे। और दूसरा यदि सॉइल पार्टिकल्स को उसको से रिमूव करना है तो उसको धुल दीजिए, उसके बावजूद भी वो सही तरीके से साफ नहीं हुआ है, इम्प्योरिटीज़ हैं, वो अभी वेट क्या है, वेट वीट है, मतलब गीला गेहूँ है। अब उसको और सेपरेट करने के लिए, ड्राई करने के लिए धूप में रख दीजिए, इवेपोरेशन प्रोसेस के थ्रू जो है वाटर पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, वाटर ड्रॉपलेट एनवायरनमेंट में चले जाएंगे और आपका जो गेहूँ है वह सूख करके तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से सेपरेशन मेथड यूज़ की जाती है। तो देख लेते हैं सेपरेशन मेथड है क्या, सेपरेशन है क्या, इसके लिए यूज़ की जाती है और इसके एप्लीकेशन क्या है, किन किन फील्ड में इसका यूज़ किया जाता है। ओके सो लेट्स लुक, यहाँ अपन लोग लिख देते हैं सेपरेशन is used to get individual component from the mixture क्या कोई टेक्निक आप बता सकते हो कौन कौन से मैथ यूज़ किए जाते हैं मेथड इसमें सेपरेशन के प्रोसेस पर? एग्जांपल के तौर पर लिखिए यहाँ कौन कौन से किए जाते हैं बेटा इसमें। हैंड पिकिंग के थ्रू आप कर सकते हो, हैंड पिकिंग भी एक तरीके का मेथड है, सेपरेशन मेथड है, इसको एग्जांपल में लिख दीजिए, हैंड पिकिंग मेथड। चलिए लिख देते हैं हैंड पिकिंग। और कोई है क्या? फिल्ट्रेशन। और कोई मेथड हो सकती है क्या? सीविंग। और कोई मेथड हो सकता है या सेंट्रिफिकेशन? सेंट्रिफिकेशन जो कि लेबोरेटरी वहाँ पैथोलॉजी के में यूज़ किए जाते हैं सेंट्रिफिकेशन, मैंने बताया है इसके बारे में पहले भी आप लोगों को। ठीक है आप देख लेते हैं सेपरेशन एप्लीकेशन, अपन लोग देख लेते हैं सेपरेशन का एप्लीकेशन क्या है, हमारे डेली लाइफ में किन किन चीज़ों के यूज़ करने के लिए किए जाते हैं। तो आप यहाँ लिख दीजिए एप्लीकेशन, कैसे लिख क्या आएगा बताइए, किस लिए यूज़ किए जाते हैं? इन क्या बोल देंगे, लेबोरेटरी पर्पज़ के लिए किए जाते हैं, सॉरी यहाँ इनको हटा दीजिए, लेबोरेटरी पर्पज़ के लिए किए जाते हैं, लेबोरेटरी पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है, फॉर लेबोरेटरी पर्पज़ यहाँ लिख देते हैं, फॉर लेबोरेटरी पर्पस सच एस व्हाट, किसके ब्लड एंड यूरिन टेस्ट के लिए, ब्लड एंड यूरिन टेस्ट के टाइम पे की जाती हैं। और कुछ यूजेस हैं बेटा, और कुछ यूजेस हैं क्या? यस, और यूजेस ये है, होम घर में की जाती हैं, डेयरी फॉर्म पे यूज़ की जाती हैं, फ्रॉम द सेपरेशन ऑफ सेपरेट ऑफ बटर फ्रॉम क्रीम, इसके लिए यूज़ की जाती हैं। तो उसको भी लिख देते हैं अपन लोग, किस में? इन डेयरी फॉर सेपरेट बटर फ्रॉम किस से बेटा? बटर फ्रॉम क्रीम, क्रीम से बटर को अलग करने के लिए यूज़ किया जाता है। और कुछ यूजेस हैं क्या सेपरेशन प्रोसेस का? और कोई यूजेस हैं क्या सेपरेशन प्रोसेस का बताइए आप लोग,
यूज्ड इन द वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन में यूज़ की जाती है, टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लॉथ, वेट देख लेते हैं इन वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन टू स्क्वीज आउट वाटर, आउट वाटर या वाटर आउट लिखा हुआ है देखना पड़ेगा, आउट वाटर फ्रॉम, आउट वाटर लिखा हुआ है, आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लॉथ, वेट क्लॉथ गीले कपड़ों से वाटर को रिमूव करने के लिए। और कुछ यूज है बेटा सेपरेशन का, और कुछ यूजेस हैं इसके आप लोग बताइए, और कुछ यूजेस हैं, और कुछ यूजेस क्या है? यस, दूसरा है डोमेस्टिक पर्पस, डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज़ की जाती है, डोमेस्टिक पर्पस, डोमेस्टिक पर्पस मीन्स फॉर द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, फॉर द सेपरेट मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क, वाटर एंड मिल्क की मिक्सचर को रिमूव करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। और कुछ है बेटा जो ध्यान आता हो? यस, एक सेपरेशन मेथड यूज़ की जाती है, वाटर और जब आपका केरोसिन जब आपस में मिक्स हो जाती हैं तो वो लेबलेट बन जाती हैं, क्योंकि जो ऑयल होती है बेटा वह उसकी डेंसिटी लो होने की वजह से वो सरफेस ऑफ द वाटर बॉडी के ऊपर क्या होता है, तैरता है, फ्लोट करता है, तो अलग से ही दिखाई देता है आप लोगों को। कभी बॉटल लेना, बॉटल में पहले पानी भरा हो या वाटर भरा हो उसके ऊपर कोई ऑयल भर के देखिए, दोनों अलग अलग हो जाते हैं। और जिस भी कंपोनेंट्स को, पर्टिकुलर इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को अलग करना है उसको आप इजीली अलग कर पाते हो फिर। ओके, तो आप लोगों ने आज सेपरेशन मेथड और उसके टेक्निक और साथ में इसके एप्लीकेशन के बारे में समझा। नेक्स्ट क्लासेस में अपन लोग बात करेंगे मिक्सचर और कंपाउंड के क्लासिफिकेशन की, उनके बीच के डिफरेंसेस की। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच।